ये है स्टोरियस और आज हम आपको सुनाएंगे बुक समरी ऑफ बुक क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस की। इस बुक को एक नहीं बल्कि चार ऑथर्स ने लिखा है, कैरी पेटरसन, जोसेफ ग्रेनी, रॉन मैकमिलन और एएल स्विट्जल ने। बुक को 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। इस बुक समरी में आप जानेंगे कि इनफ्लेक्सिबल सिचुएशंस में एंगर और हर्ट फीलिंग्स को पावरफुल डायलॉग्स में कैसे बदलें, कैसे इम्प्रेसिव बने ना कि एग्रेसिव, और कैसे न्यू टेक्निक्स और स्किल्स मिलकर सक्सेसफुल क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस को बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज क्रूशियल कॉन्वर्सेशन। जब कोई इंसान कम्युनिकेट करने में फेल हो जाता है तब वो अपने अंदर एक पॉइजन पैदा कर लेता है। ये वर्ड्स हैं सी नॉर्थकॉट पार्किंसन के, जो फेमस ब्रिटिश नॉवल हिस्टोरियन और 60 से भी ज्यादा बुक्स लिखने वाले ऑथर रहे हैं। क्रूशियल कॉन्वर्सेशन, वैसे आपने कॉन्वर्सेशन तो सुना होगा पर ये क्रूशियल कॉन्वर्सेशन क्या है ये शायद नहीं पता होगा। कुछ लोग क्रूशियल कॉन्वर्सेशन को बड़ी पोस्ट वाले या बिजनेसमैन के बीच हुई बातचीत से कनेक्ट करेंगे, पर इस बुक में जिस क्रूशियल कॉन्वर्सेशन की बात हो रही है वो लगभग हर किसी की लाइफ में होती है। ये उस तरह की बातचीत है जिनका इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ पर पड़ता है। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लीजिए आप अपने बॉस से प्रमोशन के बारे में बात करते हैं, पर आपका बॉस सोचता है कि आप उस प्रमोशन के लायक नहीं हैं, लेकिन आप खुद को लायक मानते हैं। दूसरा है ग्रेट रिस्क। मान लीजिए आप अपने कुछ कोवर्कर्स के साथ मीटिंग में हैं और किसी नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का सजेशन देते हैं। ऐसा करने से या तो आपको फायदा होगा या कंपनी अपने एनुअल टारगेट से चूक सकती है। थर्ड है स्ट्रॉन्ग इमोशंस। मान लीजिए आपका पार्टनर आपको किसी से फ्लर्ट करने या मेकआउट करने के लिए ब्लेम करता है, जबकि आप सोच रहे हैं कि आप तो बस किसी से फ्रेंडली हुए थे, जिसे आपका पार्टनर गलत समझ रहा है। ऐसे में दोनों का झगड़ा होता है, कई मैटर्स में कोर्ट केसेस तक हो जाते हैं जिसमें लोगों के स्ट्रॉन्ग इमोशंस रन करते हैं। ये जितने भी कॉन्वर्सेशंस के एग्जांपल्स हमने आपको बताए ये सिंपल कॉन्वर्सेशंस नहीं थी, इनका रिजल्ट आपकी क्वालिटी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। ऐसी कॉन्वर्सेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी ही इन्हें क्रूशियल कॉन्वर्सेशन की कैटेगरी में डालती है। क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस टफ इश्यूज से रिलेटेड होती हैं। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन का नेचर है कि वो ऐसी कॉन्वर्सेशन से बचता है। हमें डर होता है कि कहीं हम कंडीशन को और खराब न कर दें। जब कोई टॉपिक बहुत रिस्की होता है तो लोग टॉपिक ही चेंज कर देते हैं, पर अगर आपको क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस को हैंडल करना आ गया तो आप अपनी लाइफ को एक अलग ही डायरेक्शन दे पाओगे। अब बात करेंगे कि क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस को नॉर्मली हम कैसे हैंडल करते हैं। क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस के दौरान हमारे सामने तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो अवॉइड कर दें, दूसरा, या फेस करते हुए बैडली हैंडल करें, या फिर थर्ड ऑप्शन, फेस करते हुए अच्छे तरीके से हैंडल करें। बुक में आगे बताया है कि किस तरह से हम क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। इसे पावर ऑफ डायलॉग भी कहा गया है। जब हम किसी से बात करते हैं तब हमें एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि हम दूसरे इंसान के थॉट्स या एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे कंट्रोल में जो है हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस इशू के बारे में बात करने जा रहे हैं। इशू के रिपीटिशन से भी उसकी सीरियसनेस का आइडिया लगाया जा सकता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास में एक बच्चे ने किसी एक दिन होमवर्क करना मिस कर दिया, वहीं एक बच्चा ऐसा है जो डेली होमवर्क करके नहीं लाता, तो प्रॉब्लम सेम है, पर वो प्रॉब्लम कहाँ हैबिचुअल बन गई वहाँ ज्यादा सीरियसनेस के साथ क्रूशियल कॉन्वर्सेशन करनी होगी। अक्सर हम गलती से ये सोच लेते हैं कि हमारे पास बस दो ऑप्शन है, या तो आप जिससे आपको बात करनी चाहिए उसको सच बताकर नाखुश कर दें, या ना बताकर बस कंडीशन को ऐसे ही देखते रहें। अक्सर बहुत जरूरी कॉन्वर्सेशंस के दौरान हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं जिससे हमारा दिमाग इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है और हम बेवकूफ लोगों को एक मौका देते हैं कि वो ऑप्शन को चूज करें। रेस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप बनाए रखते हुए आप अपनी चिंताओं को शो कर सकते हैं। आपको अपनी बात क्लियर करनी होगी कि इन रियलिटी आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। अपने क्वेश्चंस को रेडी करने के लिए एंड वर्ड का यूज करें। एग्जांपल के लिए, मैं अपने पार्टनर से उसकी बैड हैबिट के बारे में कैसे बात कर सकता हूँ और उसे सैड भी नहीं कर सकता।
नॉन वर्बल कॉन्वर्सेशन के क्यूज के बारे में अवेयर हो जाएं, जो सिग्नल देते हैं कि आपकी कॉन्वर्सेशन टूट रही है, ताकि आप इसे वापस से पटरी पर ला सकें। जब आपको क्यूज मतलब सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं, तो आपको या दूसरे लोगों को इनसिक्योरिटी महसूस हो सकती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप करंट कॉन्वर्सेशन से बाहर निकल जाएं, थोड़ा नॉर्मल होने दें, उसके बाद कॉन्वर्सेशन को फिर से शुरू करें। क्रिएटिव कॉन्वर्सेशंस में बने रहने के लिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत होगी। थोड़ा संभल कर बात करें, दूसरों को अटैक या डिफेंसिव महसूस करने से रोकने के लिए सॉफ्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। हम एक क्रूशियल कॉन्वर्सेशन के एग्जांपल को समझाते हैं। मान लीजिए दो भाइयों के बीच में अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को डिवाइड करने पर डिस्कशन हो रहा है। अक्सर इस तरह के प्रॉपर्टी इश्यूज में खून के रिश्तों को भी आपस में लड़ते हुए देखा जाता है। स्टार्टिंग में शुरुआत घर के बंटवारे से होती है। पहले भाई को लगता है कि पेरेंट्स की देखभाल में काफी खर्चा किया है, जो कि उसके भाई ने उतना नहीं किया है। तो अब पहला भाई एक तरह से अपने आप को ज्यादा हकदार मानते हैं। ये क्लियरली एक बहुत हार्श और हार्ड कॉन्वर्सेशन का एग्जांपल है। पहला भाई पेरेंट्स की देखभाल में अपने खर्चों का भुगतान करने के लिए घर को बेचने पर डिस्कशन करता है। दूसरा भाई ये कह सकता है कि वो अपनी नौकरी में बिजी था और उसके पास ट्रैवल करने के लिए टाइम नहीं था, जिसकी वजह से वो पेरेंट्स की देखभाल नहीं कर सका। अगर वो अपने भाई की तरह वहीं आसपास रहता तो वो अपने पेरेंट्स की देखभाल आराम से करता। ये क्लियर है कि ये बातचीत आगे चलकर थोड़ा और सीरियस हो जाएगी, इसलिए पहले भाई को थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेने की जरूरत है। उसे अपने अंदर पूछना चाहिए कि इन रियलिटी वो क्या चाहता है। फिर उसे खुद से पूछना चाहिए कि वो जो चाहता है उसके लिए वो सबसे बेस्ट बिहेवियर कैसे कर सकता है। उसे कंडीशंस को सेफ बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि उन दोनों में एक ही पॉइंट पर एग्री होने की कमी है। प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइड किया जाए, इस पर डिस्कशन करने की बजाय वो अपने अपने काम गिनाने में लग जाते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। पहला भाई ये कह सकता है कि वो अपने और अपने भाई के बीच में किसी तरह का मनमुटाव नहीं चाहता और वो अपने भाई को दोषी भी महसूस नहीं कराना चाहता, लेकिन वो इस बारे में बात करना चाहता है कि उसे कैसा फील होता है कि उसने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली, जिससे उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा। यहाँ दूसरा भाई भी रेस्पॉन्स में कह सकता है कि उसने भी उतना ही किया जितना पहले वाले भाई ने किया। वो कह सकता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने भी सफर किया है। पहले भाई को ऐसे में अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गली उसको ऐसा लगता है कि वो ज्यादा हकदार है। पहले वाले भाई को अपने फैक्ट्स और कंक्लूजन्स को दूसरे भाई से इस तरह से शेयर करना चाहिए कि ताकि दूसरा भाई भी अपनी स्टोरी को ईमानदारी से शेयर कर सके। पहला भाई कहता है कि मैंने पेरेंट्स की देखभाल करने में अपना बहुत सारा पैसा खर्च किया और मैंने नर्स को काम पर रखने के बजाय पर्सनली उनकी देखभाल करने के लिए बहुत टाइम और करियर ऑप्शंस तक सेक्रीफाइस कर दिए। वो कह सकता है कि उसे लगता है कि उसने दूसरे भाई से ज्यादा देखभाल की और उसे लगता है कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में उसका ज्यादा हिस्सा बनता है। पहला भाई दूसरे भाई के थॉट्स को जानने के लिए इस तरह से पूछ सकता है, क्या आप इसे कुछ अलग तरीके से देखते हैं? तब दूसरा भाई कह सकता है कि उसे पता है कि वो बहुत ट्रैवल कर रहा था और पेरेंट्स को पर्सनली मिलने या देखभाल करने के लिए टाइम नहीं दे सका जितना कि पहला भाई दे पाया। दूसरा भाई कहता है कि उसने भी देखभाल के लिए पैसे भेजे जितना बन पड़ा। दूसरा भाई कहता है कि उसे लगा कि पहला भाई अपना काम बराबर कर रहा है और इसलिए उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। तब पहला भाई ये कह सकता है कि आपको लगता है कि आप वो सब कुछ कर रहे थे जो आप कर सकते थे और अब आपको ये सरप्राइज हो रहा है कि मैंने आपसे ज्यादा किया। तब हो सकता है कि दूसरा भाई एग्रीमेंट पर आ जाए और कह दे कि मैं एग्री करता हूँ, आपने बहुत हेल्प की। पहला भाई सारे एक्सपेंसेस गिना सकता है जिससे कि वो अपनी स्टोरी को जस्टिफाई कर पाए। क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस में एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए तुरंत माफी मांगे
जिससे दूसरों को कोई प्रॉब्लम हुई हो, जैसे आपने अपनी टीम को ये बताने के लिए कॉल नहीं किया कि प्रेजेंटेशन प्लान बदल दिया गया है। सॉरी बोलना एक इस तरह का स्टेटमेंट है जो दूसरों के पेन को थोड़ा कम करता है और आपको एक ऑनेस्ट इंसान भी दिखाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने के लिए कभी कभी लोग इम्पोर्टेंट बातचीत के दौरान इंसल्टेड महसूस करते हैं, भले ही किसी ने उन्हें इंसल्ट ना किया हो। इस कंडीशन में किसी को भी सॉरी बोलना करेक्ट नहीं है। अगर आप गलत नहीं है तो आपको माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर से बातचीत को पटरी पर कैसे लेकर आए। यहाँ पर कंट्रास्टिंग नाम की स्किल का यूज करके आप सेफली फिर से कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी के पीछे के एम को पहचाने, लोगों से पूछें कि वो जिस चीज के लिए जोर दे रहे हैं उसे वे क्यों चाहते हैं। नई स्ट्रेटेजीज पर विचार करें। अब बात करेंगे हम AMPP की। दूसरों को अपने पाथ शेयर करने के लिए एनकरेज करें, जिसके लिए चार पावरफुल लिसनिंग टूल्स का यूज करें जो दूसरे लोगों के लिए ओपनली बात करने में सेफ फील कराता है। इन चार स्किल्स को पावर लिसनिंग टूल कहा जाता है क्योंकि उन्हें AMPP के शॉर्ट नेम में याद रखा जाता है। फॉर्चुनेटली इस तरह के टूल साइलेंस और वॉयलेंस दोनों तरह के गेम के लिए काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका प्रोसेस क्या है। फर्स्ट है आस्क टू गेट थिंग्स रोलिंग, मतलब ए प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए पूछें, दूसरे मेंबर के थॉट्स में इंटरेस्ट दिखाएं। सेकंड है मिरर टू कंफर्म फीलिंग्स, मतलब एम इमोशंस को कंफर्म करने के लिए मिरर करें, लोगों की महसूस की जा रही फीलिंग्स को रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करके सेफ एनवायरनमेंट बनाएं। थर्ड है पैराफ्रेज टू एक्नॉलेज द स्टोरी, मतलब पी स्टोरी को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सप्लेन करें। जैसे ही दूसरे अपनी स्टोरी का हिस्सा शेयर करना शुरू करते हैं तो आपने जो सुना है उस सेम कहानी को रिपीट करें, जिससे बाकी लोग समझ जाएंगे कि आपने बात को बहुत ध्यान से सुना है और आप समझ भी गए हैं। लास्ट है प्राइम व्हेन यू आर गेटिंग नोवेयर, मतलब पी अगर दूसरे लोग पीछे हटना कंटिन्यू रखते हैं तो प्राइम करें, अपने हिसाब से एज्यूम करें कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। आपको कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, आपका फोकस ऑब्जर्वेशन पर होना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी एज्यूम करने की आदत होती है। जब भी हम किसी इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व होते हैं हमें अपने डायलॉग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड होना चाहिए। अगर हम एज्यूम करते हैं तो फुल सिनेरियो को नहीं समझ सकते, तब बाकी मेंबर्स जो उस बातचीत में शामिल हैं उनका पर्सपेक्टिव भी आप नहीं समझ सकते। डायलॉग्स दो लोगों के बीच बातचीत को समझने का फ्लो है। सबसे जरूरी चीज है कि कम्युनिकेटर्स को एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी और ओपननेस के साथ स्टार्ट करना चाहिए। इससे आपस में अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट बिल्डअप होता है। जो भी लोग उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होंगे वो एंड रिजल्ट की वैल्यू करेंगे। क्रूशियल कॉन्वर्सेशन के लिए टाइम और लोकेशन भी काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ऐसी कॉन्वर्सेशंस के लिए सही टाइम और लोकेशन को चूज करें। आप किसी भी टाइम बिना ऑब्जर्व किए सभी के सामने इश्यूज को यूं ही नहीं उछाल सकते। डिस्कशन का टाइम और जगह दोनों में बाकी कम्युनिकेटर्स की मर्जी भी शामिल है। फोर्सफुली किसी सेंसिटिव टॉपिक पर सडन डिस्कशन सिचुएशंस को और भी वर्स्ट बना सकता है। एक पॉइंट ये भी है कि किसी भी क्रूशियल कॉन्वर्सेशन में एम्पैथी के साथ एंटर करना चाहिए। रिस्की टॉक्स में आपके मन में एक बार को ऐसी मीटिंग्स कैंसिल करने का थॉट भी आ सकता है, पर अगर आपने इश्यूज पर डिस्कशन नहीं किया तो वो और भी ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करने से पहले आप पहले खुद से सारे पॉइंट्स डिस्कस करें। एक सेंसिटिव सिचुएशन को संभालने के लिए एक एक्टिव लिसनर होना बहुत जरूरी है। इस बात पर ध्यान दें कि जो व्यूज आप शेयर करने जा रहे हैं वो आपके लिए कितना सेफ हैं। हम बात करेंगे अब बॉडी लैंग्वेज पर। जब कोई नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज शो करे तो आपका शांत रहना बहुत जरूरी है। इमोशंस में बहने से सिचुएशन आपके हाथ से निकल सकती है। अगर कोई आपको एग्रेसिवली नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज शो करता है तो आप पूछ सकते हैं आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। इससे आपको दूसरे इंसान के इमोशंस समझने में हेल्प मिल सकती है। किसी भी कंक्लूजन पर तुरंत ना पहुंचे, हमारे कंक्लूजन्स फैक्ट्स पर बेस्ड होने चाहिए। हम बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस बिहेवियर के पीछे की रीजनिंग को नहीं समझ सकते। दूसरे कम्युनिकेटर की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए आपको खुद की बॉडी लैंग्वेज को नेगेटिव नहीं करना है। एक मूवी है सिटी स्लाइकर्स, उसमें एक सीन है
जिसमें कर्ली नाम का कैरेक्टर ये कहता है कि अगर तुम लाइफ में कामयाब होना चाहते हो तो आपको वन थिंग करनी होगी, पर वो वन थिंग क्या है वो खुद जानो। पर इस बुक में राइटर्स ने वो वन थिंग बताई है जिससे रिस्की कॉन्वर्सेशंस से डील किया जा सकता है। एक सक्सेसफुल कॉन्वर्सेशन का कोर होता है उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो। लोग ईमानदारी से और ओपनली अपनी बात कहते हैं, अपने इमोशंस को शो करते हैं। अगर लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्डअप कर लेते हैं तो आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से काफी लोग कहीं ना कहीं काम करते होंगे। आपको पता ही होगा कि हम किसी ना किसी टीम के साथ काम करते हैं। टीम का हर मेंबर जवाबदेही का हिस्सा होता है। अगर टीम का कोई मेंबर दूसरे मेंबर्स को टीम के किसी एग्रीमेंट्स को क्रॉस करते हुए देखता है तो वो तुरंत और सीधे तौर पर बोल सकता है। बॉस से ये उम्मीद करना कि वो इसे नोटिस करेगा वो बाकी टीम मेंबर्स के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला है सल्यूशन। अगर आपका टीम मेंबर वो नहीं कर रहा है जो आपको लगता है कि उसे करना चाहिए तो आपको बोलना चाहिए। टीम का कोई मेंबर अगर एग्रीमेंट पर खरा नहीं उतरता है तो एग्रेसिवली चेंजेस हो सकते हैं। सक्सेस नई एक्सपेक्टेशन के साथ कंप्लीट डिसिप्लिन पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि उन पार्टनर्स या टीम मेंबर्स पर डिपेंड करती है जो एक दूसरे के साथ इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशंस करते हैं। अपनी लाइफ को बदलें। हाई रिस्क वाली डिस्कशंस नोटिस और रिमाइंडर के साथ नहीं आते हैं, ज्यादातर वो अनवांटेड सरप्राइज के रूप में आते हैं। इमोशंस भी बहुत हेल्प नहीं कर सकते। जितना ज्यादा आप इस बारे में केयर करते हैं कि क्या हो रहा है, उतना ही कम आप इस बारे में सोचते हैं कि आप खुद को कैसे मूव कर रहे हैं। बुरी खबर ये है कि कॉन्वर्सेशन जितनी ज्यादा स्क्रिप्टेड होती है, खुद को डेली रूटीन से बाहर निकालना और कुछ नया करने की कोशिश करना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि बचपन से ही हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी हमारी कुछ आदतों को डेवलप करने में हमारी हेल्प करती है। हम सोचते हैं कि इन हैबिट्स को तो हमें फॉलो करना ही चाहिए, और कई बार अनकॉन्शियसली वो हैबिट्स पूरी लाइफ चलती रहती हैं। हम उनसे बाहर निकलकर कुछ नया नहीं सोच पाते हैं। अपने गोल्स को बढ़ाएं। आपको चेंज करने की इच्छा होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको रियलिटी में कुछ करने के लिए कॉन्वर्सेशन स्किल्स को बेटर बनाने के लिए उस पर काम करना होगा। आपको इनएक्टिव इमोशंस से आगे बढ़ना होगा कि चेंजेस करना एक अच्छा थॉट है, पर एज ए ह्यूमन और एक सोशल एनिमल हमें ये सिखाया जाता है कि सडन चेंजेस खराब होते हैं, पर सडन चेंजेस की वजह से ही हम लाइफ में अपने पोटेंशियल को जान पाते हैं। आपको सिग्नल्स पर ध्यान देना होगा। सरप्राइज, इमोशंस और समाज की जो स्क्रिप्ट है उस पर कंट्रोल पाने के लिए आपको कुछ नया काम करना होगा। अक्सर लोग बदलाव से डर जाते हैं, पर बदलाव कई बार आपके छुपे हुए टैलेंट को बाहर ले आता है, और अगर बदलाव उस टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पाता तो आप वापस से अपनी पुरानी आदतों पर लौट जाते हैं। हम जब भी किसी रिश्ते में जाते हैं तो अक्सर हमें बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन रिश्ते को चलाने के लिए आपको एक अच्छी कॉन्वर्सेशन आनी चाहिए। बातचीत करने को सिलेक्ट करें, दूसरों को बताएं कि आप बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसको ट्राई करें। जब आप फेल हो जाएं तो इसे एक्सेप्ट करें। अपनी प्रोग्रेस के लिए कोई ना कोई एम रखें, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हों या वर्क स्पेस का कोई मैटर हो। एंड में जब मौका मिले तो दूसरों को भी ऐसा करने में हेल्प करें। फ्रेंड्स, लव्ड वंस और कलीग्स को उनके खुद के हाई लेवल की डिस्कशंस में एक्सपर्ट बनाने के लिए हेल्प करें। ग्रुप्स को मजबूत बनाने, फैमिलीज को स्ट्रॉन्ग बनाने और नेशन को एक इंसान के तौर पर एक इम्पोर्टेंट बातचीत में ट्रेन करने के लिए आपको स्टेप लेने होंगे। तो यहाँ पर क्रूशियल कॉन्वर्सेशन बुक की समरी खत्म होती है। आपको बुक समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपको हमारी बाकी बुक समरीज कैसी लग रही हैं, हम उसके फीडबैक का इंतजार करेंगे। हमने एक नया चैनल स्टोरियस शॉर्ट के नाम से स्टार्ट किया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, प्लीज उसे भी सब्सक्राइब करें। अगर आप स्टोरियस पर नए हैं और आपने अभी तक स्टोरियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।